सबसे बड़ी चीज है कि वो कोर्ट का न्याय का विषय है। हम एक सिंपलिटी से कह सकते हैं उस परिवार के लिए लोग सुख हो सकते हैं, आज एक कर सकते हैं, लेकिन सजा देना और किसी को दोषी बनाना ये मेरे बस की बात है। मैं तो बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, देख सकता हूँ, बट मैं न्यायालय नहीं हूँ। न्यायालय है उसके लिए कानून है, तो कानून अपना काम कर ही रहा है। कहीं ना कहीं जो भी गलत होगा उसमें सजा देना आप लोगों की तरफ से भी, लेकिन मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ? आप उस परिवार को बेटी तो दे नहीं सकता, उस परिवार का आर्थिक मदद कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कर रहा नहीं था और मैं कर भी रहा हूँ, और आजीवन जब मुझे जरूरत होगी मैं बिल्कुल करता हूँ। खेसारी जी, खेसारी जी, इस समय आप चुनावी माहौल में बनारस में हैं, यूपी में हैं, तो जिस तरह से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पर विनाश हुआ, जो निर्माण हुआ भी उसमें गुणवत्ता नहीं देखने को मिली, आप भी बनारस से यूपी से वाकिफ हैं, तो क्या मानते हैं इस विपक्ष के जो इस तरह से सवाल हैं उस पे? सवाल यही है, सुरक्षित भोजपुरी इंडस्ट्रीज कितना है आकांक्षा की, जिस तरीके का मामला सामने आया, चारों तरफ एक बहुत चर्चा का विषय बना भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके भैया? भैया कौन है भाई? ये गाना नहीं है, हमारे यहाँ का झूमर है, हमारे हमारे यहाँ के हमारे चाची माई दीदी सब गाना को गाते हैं। हमने के भोजपुरी भाषा के ऊपर करेगा, बता अपना माटी के चीज दुनिया के अंदर बताए के करेंगे, हमने के यहाँ के झूमर हो इतना निमन होगा साथी थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा इस गाने से क्या उम्मीद है? उम्मीद उम्मीद पे दुनिया का है भाई, हम कहने गाने क्या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का अब रेगुलर गाना आता रहेगा। देखिए रेगुलर गाना ना आने का कारण बताता हूँ। क्या कारण था? कारण ये था कि मैं दिसंबर में अपना सिनेमा संघर्ष कर रहा था जी, उसके बाद तुरंत मैं गॉड फादर किया जी, 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 उसके बाद तीसरी जो सिनेमा भी थी मैं कश्मीर में कर रहा था रंग दे बसंत और दो फिल्में लेकर मैं अवैध वन और अवैध टू दोनों फिल्म लेकर मैं आपके कोबरा में कर रहा हूँ। तो लगातार 5 महीने से मैं 5 फिल्मों का हिस्सा बना, ताकि मुझे ये लगा था कि शायद हम अपने भाषा को जिस तरह साउथ के लोग अपने फिल्म के माध्यम से अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि अगर हम सब भी अपने फिल्मों को अहमियत ज्यादा देंगे तो शायद हमारी भाषा का उन्नति और